चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की ही नेक्स्ट थ्योरम, टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। टेलर थ्योरम प्रूव करेंगे हम इसके लिए, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टेलर थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव टेलर थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका प्रूफ करेंगे। अब लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में रोल थ्योरम की थी, लैग्रांज थ्योरम की है, इसके अलावा कोशी मीन वैल्यू थ्योरम, जनरल थ्योरम, ये सब थ्योरम हम कर चुके हैं। और हर थ्योरम में हमारे पास एक फंक्शन होता था, एक दो तीन अलग अलग थ्योरम के अकॉर्डिंग, और हर फंक्शन के लिए हम पॉइंट शो करते थे कि फंक्शन कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है। देन कोई भी एक पॉइंट गिवन इंटरवल के बीच में होगा जिसे हमें प्रूव करना होता था, उस पॉइंट के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती थी। सेम यहां पर स्टेटमेंट होगी, इफ अ फंक्शन एफ विद डोमेन, एफ एक फंक्शन है गिवन इंटरवल के लिए था, यहां पर इंटरवल क्या होगा, ए से ए प्लस एच विद डोमेन ए ए प्लस एच इज सच दैट। अब ये एफ फंक्शन किस तरह से है, फर्स्ट कंटिन्यू होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ की पावर एन माइनस वन इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच, और सेकंड एफ की पावर एन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच। अब फंक्शन कंटिन्यू है तो डिफरेंशिएबल है, तो कोई भी एक पॉइंट होगा गिवन इंटरवल के बीच में, तो यहां पर क्या लिया, देन देयर एक्सिस थीटा बिलोंग्स टू 0, 1, थीटा एक वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, सच दैट इस प्रकार से है कि एफ ए प्लस एच का जो सॉल्यूशन आएगा, यानी ये पार्ट हमें प्रूव करना है, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, एच की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन ए प्लस लास्ट स्टेप एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। अब यहाँ पर ए प्लस थीटा एच, लास्ट स्टेप में हमने ए नहीं लिया, फॉर ए प्लस थीटा एच लिया, उसका रीजन हम पीछे वाली थ्योरम में जो करते थे, पीछे वाली थ्योरम में सी कोई पॉइंट होता था जो गिवन इंटरवल के बीच का पॉइंट है, यहाँ पर ए प्लस थीटा एच ये जो पॉइंट है ये गिवन इंटरवल ए और ए प्लस एच के बीच का पॉइंट होगा। कैसे होगा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 और 1 के बीच में है, तो ए प्लस थीटा एच, मान लिया हमने थीटा की वैल्यू हाफ है, तो ए प्लस हाफ ऑफ एच, अब ये ए से ग्रेटर है लेकिन ए प्लस एच से स्मॉल है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू ए और ए प्लस एच के बीच की हुई, तो लास्ट स्टेप में जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो ए और ए प्लस एच के बीच की वैल्यू होगी। स्टेटमेंट क्या है, एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, जो फंक्शन कंटिन्यू है एंड डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक एलिमेंट थीटा इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, कि हमें जो प्रूव करना है वो पार्ट क्या है, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच। अब कैसे याद रखोगे आप इसे, फर्स्ट स्टेप में एच की पावर 0 है, सेकेंड स्टेप में एच की पावर 1 है, फर्स्ट स्टेप में एच की पावर 2 एंड सो ऑन, एच की पावर एन माइनस वन एच की पावर एन, अगर एच है तो फैक्टोरियल ऑफ 1, एच की पावर 2 है तो फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन, एफ ए डैश डबल डैश, अगर एच स्क्वायर है तो डबल डैश, एच क्यूब है तो ट्रिपल डैश, एच की पावर एन माइनस वन है तो एफ का एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव हो रहा है एंड सो ऑन, लास्ट स्टेप एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। अब इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने के लिए हमें गिवन क्या है वो हम लिखेंगे कि ये पार्ट हमें गिवन है। अब गिवन पार्ट ये है कि कंटिन्यू फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, जो कंटिन्यू है डिफरेंशियल है, तो ये तो हम गिवन लेंगे, प्रूफ करेंगे एफ ए प्लस एच। तो देखो इसका प्रूफ, जो गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन हमने एज इट इज लिख दी, द फंक्शन एफ फ्रॉम विद डोमेन ए से ए प्लस एच सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यू एंड फंक्शन इज डिफरेंशियबल, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल। हमने लास्ट जो थ्योरम की थी, हर थ्योरम में हम एक फंक्शन लेते हैं फाई एक्स, यहाँ पर भी हम एक फंक्शन लेंगे, लेट फाई एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच।
सच दैट, यानी एक फंक्शन फाई एक्स लिया हमने क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, किस तरह से फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश एक्स, जो हमें प्रूव करना है उसी के बेस पे है, एच एफ डैश प्रूव करना है तो ए माइनस एक्स कर लिया, यहाँ पर भी एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू तो ए माइनस एक्स साथ में लिख लिया प्लस एंड सो ऑन, ए प्लस एच माइनस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन एक्स, और लास्ट स्टेप हमने क्या मान लिया ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन और कैपिटल ए, ये हमने फाइव एक्स फंक्शन मान लिया। लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरम की थी, रोल थ्योरम, कोशी थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, जनरल थ्योरम, उन थ्योरम में भी हमने फाइव एक्स एक फंक्शन माना था। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था, सेम स्टेप चलेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था कि phi x fx पर डिपेंड करता है, ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट से, phi x fx पर डिपेंड करता है, तो अगर fx कंटिन्यू है तो phi x भी कंटिन्यू होगा, अगर fx डिफरेंशियबल है तो phi x भी डिफरेंशियबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस phi x इज डिपेंड ऑन fx, सो इफ नंबर वन एफ एन माइनस वन इज कंटिन्यू ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच, देन फाइव एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यू इन ए कोमा ए प्लस एच। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ की पावर एन इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच, देन फाइव एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच। अब फाइव एक्स कंटिन्यू है, फाइव एक्स डिफरेंशियबल है, रोल थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यू है डिफरेंशियबल है, देन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये पार्ट भी हमने किया था। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट अब यहाँ पर इंटरवल ए से बी नहीं है, ए से ए प्लस एच है, तो लेट फाई ए इज इक्वल टू फाई ए प्लस एच। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसे चेक करें, आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट फाई ए इज इक्वल टू फाई ए प्लस एच, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फाइव फंक्शन कंटिन्यू है, फाइव फंक्शन डिफरेंशियबल है, फाइ ए की वैल्यू फाइ ए प्लस एच के इक्वल है, इट मींस फाइव फंक्शन रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, हेंस फाइ सेटिस्फाइड ऑल थ्री कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर ऐसा है तो देन देयर एक्सिस, तो गिवन इंटरवल के बीच में हम कोई पॉइंट देते हैं, एन एलिमेंट थीटा सच दैट, तो हमने एलिमेंट क्या लिया थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जीरो और वन के बीच में, बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन सच दैट, इस प्रकार से होगी। अब a और a प्लस एच के बीच का एलिमेंट अभी हमने देखा था a प्लस थीटा एच होता है, तो हम क्या लिखेंगे phi डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू जीरो। c अगर बीच का कोई एलिमेंट है तो हम phi डैश c लिखते हैं, तो बीच का एलिमेंट हमारे पास क्या है a प्लस थीटा एच है, तो phi डैश a प्लस थीटा एच इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। phi डैश इट मींस हमें phi का डिफरेंशिएशन करना है, अब phi x हमारे पास क्या था इक्वेशन नंबर वन में देखो, ये phi x है, तो फाइव एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करें यानी इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, तो देखो फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन फाइव डैश एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, तो फाइव एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या था हमारे पास यहां पर एफ एक्स था, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे एफ डैश एक्स प्लस में,
ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास यू डॉट वी मेथड अप्लाई हो रहा है, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड में चेंज नहीं, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट में चेंज नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन इस पॉजिटिव साइन को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे माइनस में, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस वन और एफ डैश में कोई चेंज नहीं किया, प्लस में एफ ए प्लस एच माइनस एक्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, एफ डैश का डेरिवेटिव डबल डैश एक्स प्लस में, नेक्स्ट अब देखो अगेन यू वी मेथड अप्लाई हो रहा है, यानी एफ डबल डैश में कोई चेंज नहीं और ए प्लस एच माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, टू ए प्लस एच माइनस एक्स, माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ टू, एफ डबल डैश एक्स में कोई चेंज नहीं किया, प्लस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एफ डबल डैश का डेरिवेटिव ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे के स्टेप चलते रहेंगे, प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ पर एन माइनस वन है, अगेन यू वी मेथड अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे सेकंड में कोई चेंज नहीं, जब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा एन माइनस वन ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, और एफ की पावर एन माइनस वन में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स का फिर से होगा जो कि नेगेटिव साइन में आएगा माइनस में, प्लस में नेक्स्ट स्टेप ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन में कोई चेंज नहीं किया अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एफ की पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ की पावर एन एक्स, प्लस में लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन ए, अब यहाँ पर ए भी कॉन्स्टेंट है फैक्टोरियल ऑफ एन भी कॉन्स्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन और ए, और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके okay? यहाँ पर कौन कौन से स्टेप रह जाएंगे, फाइव डैश एक्स इक्वल टू, अब चेक करते हैं जो कैंसिल हो, सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो रहा है, फोर्थ स्टेप से थर्ड स्टेप कैंसिल हो रहा है एंड सो ऑन, यानी नेक्स्ट स्टेप से एक स्टेप पहले वाला कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एन माइनस वन में कौन सा स्टेप कैंसिल होगा, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता अगर ये यू डॉट वी में, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक यू डॉट वी अप्लाई नहीं किया, सिंगल डेरिवेटिव किया, अगर यहाँ पर यू डॉट वी होता तो ये एफ की पावर एन से कैंसिल हो जाता, लेकिन इसका एक सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, यू डॉट वी मेथड अप्लाई नहीं हुआ, इट मीन्स न तो ये कैपिटल ए का स्टेप कैंसिल हो रहा है किसी से और न ही ये कैंसिल होगा, इसके अलावा हर एक स्टेप अपने पीछे वाले स्टेप से कैंसिल होता जाएगा, ओके तो हमारे पास दो स्टेप रह जाएंगे, कौन कौन से, एक तो a प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन f की पावर n x, और दूसरा माइनस में n a प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर n माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n कैपिटल A, क्लियर है, सेकेंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो रहा है, यानी जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव किया था हमने, सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव किया था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, एफ एक्स था, ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स था एंड सो, इसका जो हमने डेरिवेटिव किया यू मेथड से, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड में चेंज नहीं किया, तो इसका डेरिवेटिव पीछे वाले स्टेप से कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट जो हमने किया था उसमें जो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया था सेकेंड में कोई चेंज नहीं किया था, तो ये इसके पीछे सेकेंड वाले डेरिवेटिव से कैंसिल हो रहा है एंड सो ऑन, इट मीन्स जब हम नेक्स्ट पार्ट के यू वी मेथड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड में कोई चेंज नहीं, वो अपने पीछे वाले पार्ट से कैंसिल हो रहा है, लेकिन जो लास्ट स्टेप था उसमें हमारे पास यू वी मेथड फर्स्ट सेकंड मेथड नहीं था, सिंपल एक सिंगल वैल्यू थी जिसे हमें डेरिवेटिव करना था, जिसका हमें डेरिवेटिव करना था, तो ये पीछे वाले स्टेप से कैंसिल नहीं होगा, तो ये दोनों स्टेप हमारे पास कैलकुलेशन में रह जाएंगे, ओके देखो इसे आगे सॉल्व करें, तो फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन, ये कॉमन आ रहा है दोनों पार्ट्स में, यहाँ पर क्या रह जाएगा एफ की पावर एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, ये एन है ये फैक्टोरियल ऑफ एन है, तो फैक्टोरियल ऑफ एन को एन एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एन ये हमने कॉमन ले लिया तो कैपिटल ए,
एन से एन कैंसिल, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, ये कॉमन ले लिया हमने। हमारे पास क्या बचेगा, एफ की पावर एन एक्स माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एफ की पावर माइनस एक्स, एफ की पावर एन एक्स माइनस कैपिटल ए। ओके, हमारे पास थ्योरम में हमने क्या लिया था, रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं, तो फाइ डैश ए प्लस थीटा एच इजिकल टू जीरो, हमारे पास सॉल्यूशन आया फाइ डैश एक्स इजिकल टू, तो एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच रख लिया बाय रोल थ्योरम, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, तो फाइ डैश ए प्लस थीटा एच, जहां पर एक्स है वहां पर ए प्लस थीटा एच कर लेंगे, तो ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच की होल पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस कैपिटल ए। ओके, ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो यहां पर ए से ए कैंसिल, तो एच माइनस थीटा एच की होल पावर एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस कैपिटल ए। ओके, अगर ये जीरो है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए इज इक्वल टू एफ की पावर एन ए प्लस एच, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इस ए की वैल्यू को हमें कहां पर पुट करना है, इस ए की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो फाइव एक्स इजिकल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, फाइव एक्स किसके इक्वल था, फाइव एक्स इजिकल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन, प्लस में ए प्लस एच माइनस एक्स होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन, यहां पर कैपिटल ए था, तो कैपिटल ए की वैल्यू एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। अब लास्ट स्टेप तो प्रूव हो गया, लेकिन जो कैलकुलेशन थी उस कैलकुलेशन में हमारे पास क्या था, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू आगे जो भी सॉल्यूशन था, यहां पर आया फाइव एक्स। हमने रोल थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या मानी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड, फाइव ए इज इक्वल टू फाइव ए प्लस एच, हमने ये लिया था, ये हमने सेकंड इक्वेशन मानी थी, फाइव ए फाइव एक्स में एक्स की जगह अगर हम ए पुट करें, ये इक्वेशन है हमारे पास फिफ्थ, अगर हम एक्स की जगह ए पुट करें, एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन फिफ्थ, तो देखो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइव ए इज इक्वल टू एक्स की जगह ए रखें तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ए, प्लस में एक्स की जगह ए रखें तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा एच एफ डैश ए, प्लस में अगेन यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, एच की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन ए, प्लस में एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। जब हमने एक्स की वैल्यू ए पुट की एंड एक्स की वैल्यू ही हम ए प्लस एच पुट कर देंगे इन इक्वेशन फिफ्थ, इसी इक्वेशन में, तो देखो हमारे पास क्या देगा, फाइव एक्स की जगह ए प्लस एच रखा इज इक्वल टू, अगर हम एक्स की जगह ए प्लस एच रखें तो सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप एंड सो ऑन सारा स्टेप देखो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ए प्लस एच माइनस एक्स, तो ए प्लस एच की वैल्यू एक्स की इक्वल है, तो एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो एंड सो ऑन, तो हमारे पास सिर्फ पहला स्टेप बचेगा एफ ए प्लस एच। ओके, फाइव ए प्लस एच और फाइव ए इक्वल है, यानी इक्वेशन नंबर सिक्स और इक्वेशन नंबर सेवन्थ आपस में इक्वल है, तो इक्वलिटी कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सिक्स एंड सेवन्थ, फाइव ए और फाइव ए प्लस एच इक्वल है, तो हम फाइव ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर देते हैं और फाइव ए की वैल्यू, फाइव ए प्लस एच किसके इक्वल है, एफ ए प्लस एच के, फाइव ए किसके इक्वल है, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल ऑफ थ्री एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एंड सो ऑन,
f की पावर h की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन f की पावर n माइनस वन ए प्लस में h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n कैपिटल A यानी f की पावर n a प्लस थीटा h। और हमारा यही सॉल्यूशन था, यानी टेलर थ्योरम यही होती है किसके लिए, लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए। आगे समझ में, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है टेलर थ्योरम विद कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी हमने लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की थी, नेक्स्ट कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर सिमिलर है जैसे हमने लैग्रांज फॉर्म के लिए की है। देखो यहाँ पर भी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ अ फंक्शन एफ विद डोमेन ए कॉमा ए प्लस एच इज सच दैट, अगर एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, जो कि इस प्रकार से है कि एफ की पावर एन माइनस वन इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, एफ की पावर एन माइनस वन कंटिन्यू है क्लोज इंटरवल में, और एफ की पावर एन एक फंक्शन जो डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच में, देन देयर एक्सिस थीटा बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन, तो कम से कम एक एलिमेंट थीटा जीरो वन में इस प्रकार से होगा कि एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, एच की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन ए। यहाँ तक तो जैसे लैग्रांज थ्योरम में था सेम स्टेप है। लास्ट स्टेप एच की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, वन माइनस थीटा की होल पावर एन माइनस वन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच, इट मीन्स ये पार्ट हमें प्रूव करना है। और जैसा मैंने बताया कि सेम लैग्रांज थ्योरम की तरह ही हम प्रूव करेंगे, तो गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट तक एज इट इज लिख लेंगे, हम प्रूव करेंगे फाइव एक्स एक फंक्शन से। इसके प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया phi x एक फंक्शन है, लेट phi x इज ए फंक्शन सच दैट, phi x एक फंक्शन है जो कि इस प्रकार से है phi x इज इक्वल टू, फंक्शन को भी हम एज इट इज मानेंगे जैसे कि हमने phi x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू f डबल डैश x प्लस में एंड सो ऑन प्लस a प्लस एच माइनस एक्स होल पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन f की पावर n माइनस वन एक्स, और लास्ट स्टेप हम क्या मानेंगे a प्लस एच माइनस एक्स और कैपिटल A, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन पे। ओके करना क्या है कि phi x fx पर डिपेंड करता है, तो phi x अगर एफ एक्स कंटिन्यू है तो फाइव एक्स भी कंटिन्यू होगा, अगर एफ एक्स डिफरेंशियबल है तो फाइव एक्स भी डिफरेंशियबल होगा। सिंस सेम लैंग्वेज लिखनी है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगी, फाइव एक्स इज डिपेंड ऑन एफ एक्स, फाइव एक्स एफ एक्स पर डिपेंड करता है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस या देन फाइव एक्स इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच, कंप्लीट लैंग्वेज लिख दो के कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यू देन फाइव एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यू, नंबर टू फाइव एक्स इज डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच, फाइव एक्स कंटिन्यू है फाइव एक्स डिफरेंशियबल है, तो हम थर्ड पॉइंट अपनी तरफ से ले लेते हैं कि मान लिया फाइव ए इज इक्वल टू फाइव ए प्लस एच, फाइव ए की वैल्यू फाइव ए प्लस एच के इक्वल है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर phi x फंक्शन कंटिन्यू है, phi x फंक्शन डिफरेंशियबल है और phi a इज इक्वल टू phi a प्लस h, तो phi फंक्शन रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है, हेंस phi x सेटिस्फाइड रोल थ्योरम। अगर ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है तो कम से कम एक एलिमेंट, देन देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट थीटा बिलोंग्स टू जीरो वन, थीटा एक एलिमेंट होगा किस प्रकार से, सच दैट, अब थीटा जीरो और वन के बीच का कोई एक एलिमेंट है तो हम क्या लेंगे, फाइ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फाइ डैश मीन्स हमें फाइ का डेरिवेटिव करना है, तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
एक्स के लिए उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, फाई एक्स का डेरिवेटिव फाई डैश जो जो हमने अभी पीछे वाली थ्योरम में किया था सेम वैसे ही, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन और एफ का एफ डैश एक्स में कोई चेंज नहीं किया, प्लस में ए प्लस एच माइनस एक्स में कोई चेंज नहीं करेंगे, एफ डैश का डेरिवेटिव डबल डैश, नेक्स्ट स्टेप माइनस में ए प्लस एच माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ए प्लस एच माइनस एक्स और एफ डबल डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन। जो nth टर्म है उसमें डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस में ए प्लस लास्ट स्टेप में आएगा एन माइनस वन ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन एक्स और लास्ट स्टेप में हमारे पास होगा ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव एफ की पावर एन एक्स। ये डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया किस तरह से, जैसे हमने अभी पीछे वाली थ्योरम में किया था, यहाँ तक सेम। लास्ट स्टेप हमारे पास पीछे लैग्रांज थ्योरम में अलग था, यहाँ पर अलग है। तो लास्ट स्टेप का डेरिवेटिव क्या होगा, हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। ए कॉन्स्टेंट ए प्लस एच माइनस एक्स का डेरिवेटिव अगर हम करें तो हमारे पास माइनस वन यानी माइनस ए इसका डेरिवेटिव होगा। तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का ए। अब जो स्टेप कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, सेम सेकंड से फर्स्ट फोर्थ से थर्ड एंड सो ऑन। हमारे पास सिर्फ ये दो स्टेप रह जाएंगे, एक तो ए का और दूसरा एफ की पावर एन का। तो फाइ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन एस वन एक्स माइनस ए। हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, ए प्लस थीटा एच पुट करना है। तो फाइ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू क्या देगा, ए प्लस एच एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच की होल पावर एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच और माइनस का ए। फाइ डैश ए प्लस थीटा एच थर्ड इक्वेशन से जीरो के इक्वल है, तो जीरो इज इक्वल टू इक्वल में यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो जीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा है, एच माइनस थीटा एच की पावर एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन और एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए। तो ए इज इक्वल टू यहां पर देखो एच कॉमन, तो एच की पावर एन माइनस वन कॉमन, क्या बचा वन माइनस थीटा की होल पावर एन माइनस वन और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। ये कैपिटल ए की वैल्यू है, इस कैपिटल ए की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यानी जो हमने फाइव एक्स माना था, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एंड सो ऑन, ए प्लस एच माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन एक्स। प्लस में लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था, ए प्लस एच माइनस एक्स और कैपिटल ए, कैपिटल ए की जगह एच की पावर एन माइनस वन वन माइनस थीटा की होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन और एफ की पावर एन ए प्लस थीटा एच। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास एक और कंडीशन है, फाई ए और फाई ए प्लस एच इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी फाई ए इज इक्वल टू फाई ए प्लस एच। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से फाई ए प्लस एच के इक्वल है। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू ए पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अभी हमने पीछे ये भी किया था
फाई एक्स की जगह ए प्लस एच रखा तो हमारे पास ओनली एफ ए प्लस एच रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ से देखो, अगर x की जगह a प्लस एच रख दें तो यहाँ पर a प्लस एच माइनस ए प्लस एच कैंसिल, सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट में भी और नेक्स्ट में भी, तो फाइव a प्लस एच की जगह हमारे पास क्या रह जाएगा, f a प्लस एच, एंड x की जगह a रखा तो एफ एक्स था एफ ए, प्लस में हमारे पास था a प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा x के साथ क्योंकि x और a इक्वल है, तो h h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एंड सो ऑन, और लास्ट स्टेप में एच ए रह जाएगा, तो क्या आएगा एफ ए एच एफ डैश ए प्लस में एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, एच की पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एफ की पावर एन माइनस वन ए, और प्लस में एच कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एच की पावर एन माइनस वन, वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन, और फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, और एफ की पावर एन ए प्लस। फाई ए इक्वल टू फाई ए, फाई ए प्लस एच की इक्वल है, और फाई ए प्लस एच एफ ए प्लस एच की इक्वल है, तो हम फाई ए की जगह क्या लिखेंगे, फाई ए प्लस एच, और ये किसकी इक्वल है, एफ ए प्लस एच की इक्वल, देन ये किसकी इक्वल हुआ, एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन, प्लस एच की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एफ की पावर एन माइनस वन ए, प्लस लास्ट आप देखो एच की पावर वन एच की पावर एन माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, एच की पावर एन, वन माइनस थीटा की होल पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, और f की पावर n k प्लस थीटा, एस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ में, कोशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर या लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के लिए हमने टेलर थ्योरम की है। अगर आपको इन दोनों थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और थ्योरम्स और क्वेश्चन के साथ।